हिंदी निबंध गुरु पूर्णिमा पर निबंध, बहुत ही सरल और आसान निबंध हिंदी में। प्रस्तावना, गुरु का ज्ञान और शिक्षा ही जीवन का आधार है। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आषाढ़ महीना में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन सबसे लंबा हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के रचयिता गुरु वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। एक छात्र जो सीख और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शिक्षक कितना शिक्षित और धैर्यवान है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा के त्यौहार का नाम सूर्य के प्रकाश से पड़ा, जो चंद्रमा को चमकाता है। एक छात्र केवल तभी चमक सकता है जब उसे शिक्षक का प्रकाश मिले। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हर वर्ष जुलाई महीना में मनाया जाता है। यह आषाढ़ के महीने में पूर्णिमा या पूर्णमासी के दिन पड़ता है, और इसलिए हर साल गुरु पूर्णिमा की तारीख बदल जाती है। गुरु का अर्थ, जिसमें गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है अंधकार को दूर करना। इस प्रकार एक गुरु को ऐसा माना जाता है जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। महाकाव्य महाभारत के लेखक वेद व्यास को सम्मानित करने के लिए इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थ हम लोग का एक छोटा सा निबंध। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा। आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।